सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी की रैली में भगदड़ जैसी स्थिति, कई घायल। आधार कार्ड खो गया है, नो टेंशन, कर सकते हैं रिप्रिंट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उठाई छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। जिला प्रशासन की ओर से शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में रैली को संबोधित किया। उनकी इस रैली में भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, और जिस वजह से पीएम मोदी ने 14 मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से कई घायल हो गए। मोदी जब भाषण दे रहे थे उस समय भारी भीड़ के कारण कई लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे थे। जगह कम पड़ने से लोगों को असुविधा हो रही है। पीएम मोदी लोगों को समझाते रहे कि आप जहां हैं वहीं रहें। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए हैं। दरअसल जब मोदी मटुआ समुदाय की रैली को संबोधित कर रहे थे, सैकड़ों समर्थकों ने रैली ग्राउंड के अंदर आने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। नई दिल्ली, शाला कॉलेज बैंक खाते और सिम कार्ड खरीदी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रहा, तो भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड महत्व का है। अगर किसी कारण से आपका कार्ड खो गया है तो रिप्रिंट निकालते आता है। आधार कार्ड की आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए UIDAI ने रिप्रिंट की सुविधा शुरू की है। हमीरपुर जिला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने शुक्रवार को AC2DC अनुपम ठाकुर के माध्यम से शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को एक ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग की। तो खबरों में आज के लिए MNS न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।